Hello everyone and welcome to Wings Ek Udaan. My name is Yashodhra Singh and welcome to my lecture series. तो जो भी हमारे social media handles हैं वो हमारे description box में दिए गए हैं. So please do link with us, do join us and of course जिन्होंने subscribe नहीं किया है subscribe to us and please hit the bell icon ताकि हम यहाँ पे कोई भी video update करें कोई भी new चीज़ लाएं तो आपको उसके बारे में notification आ जाए. So without wasting any more time, first of all please take a screenshot. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मेरी पिछली वीडियो थी उसमें आई आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आई एम वेरी हैप्पी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसके आंसर्स दिए एंड ऑफ कोर्स दे ऑल आर करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट हाउस बोट दैट इज कश्मीर प्रिंसेस. नंबर टू क्वेश्चन वॉज कि आपका जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज है उसका आज का नाम क्या है. इट इज़ गवर्नमेंट गांधी साइंस कॉलेज. सो दैट इज़ ऑल्सो राइट. जिन बच्चों ने साइंस कॉलेज दिया था एंड दैट्स ऑल्सो करेक्ट. एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज महारानी महिला कॉलेज जिसका प्रेजेंट डे नाम इज वुमेन कॉलेज परेड. सो आई एम वेरी हैप्पी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है. सो नाउ पुराना हो चुका है सो लेट्स गेट ऑन टू द न्यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट डिड वी डू लास्ट. लास्ट हमने बात की है महाराजा प्रताप सिंह के बारे में और अब जो आए हैं दैट इज महाराजा हरि सिंह. ओके अब क्या था महाराजा हरि सिंह वॉज नॉट सन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह. ये चीज़ आपको याद रखनी है. क्या था गुलाब सिंह हैड थ्री सन्स. आई टोल्ड यू कौन कौन थे उद्धम सिंह रणधीर सिंह एंड देन रणबीर सिंह. एंड रणबीर सिंह वॉज द ओनली सर्वाइविंग सन राइट. नाउ महाराजा रणबीर सिंह हैड थ्री सन्स आगे हु ऑल राम सिंह राजा अमर सिंह एंड देन आपके महाराजा महाराजा एंड महाराजा प्रताप सिंह राइट. सो कौन कौन थे आगे राम सिंह महाराजा राजा अमर सिंह एंड देन योर महाराजा प्रताप सिंह राइट. अब प्रताप सिंह वॉज सनलेस उनका आगे कोई बेटा नहीं था. देयरफोर जो राजा अमर सिंह थे उनके बेटे थे महाराजा हरि सिंह. सो राजा अमर सिंह कौन थे वो भाई थे महाराजा प्रताप सिंह के. आपको इतना याद रखना है. एंड हु वॉज हरि सिंह. हरि सिंह वॉज नेफ्यू ऑफ हु महाराजा प्रताप सिंह. सो ही वॉज नॉट द सन ये उनके नेफ्यू थे. और कौन थे ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. अब पहले का टाइम पीरियड हमको पता है 1885 से लेके 1925 राइट. और अब आता है 1925 से लेके 1947. वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये लास्ट थे जिन्होंने डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट रूलिंग महाराजा. फाइन अब कौन थे ये आई टोल्ड यू ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह एंड सन ऑफ हु राजा अमर सिंह. वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज द सन ऑफ राजा अमर सिंह. अब बहुत बच्चों ने पिछली वीडियो में बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब पूछते हैं कि मैम इतनी सारी डेट्स कैसे याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द डेट्स. जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं जिन डेट्स पे कुछ बहुत हिस्टोरिक चीज़ हुआ है. नंबर टू जिन डेट्स पे कोई एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपको उनकी डेट्स याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको हर डेट को याद रखना ज़रूरी नहीं है. क्यों नहीं है क्योंकि पहली बात तो जे एंड के की जो डेट्स है वो हर जगह पे आपको अलग अलग दिया है. सो जिन डेट्स में डाउटफुलनेस है वो डेट्स कभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछी नहीं जाती. सो पहली चीज़ तो ये. नंबर टू जैसे किसी ने बोला कि रंजीत सिंह की कुछ डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आया. अब क्या है कि अगर आप गुलाब सिंह की भी अगर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ तो वो हर जगहों पे बहुत डिस्टॉर्टेड सी दिया है. कहीं पे कुछ दिया है कहीं पे कुछ दिया है. तो आप जो भी चीज़ फॉर दैट मैटर आप जो मेरी भी डेट्स होती हैं आप उसको भी अपने लेवल पे ज़रूर क्रॉस चेक किया करें. ठीक है क्यों किया करें क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जे एंड के की जो है हिस्ट्री है उसमें बहुत डेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. बट देन आई ट्राइड टू बी very authentic and very careful when I present you the dates. तो आप ऐसा मत सोचें. और दूसरी चीज़ कोई भी आपको किसी भी राजा के बर्थडे के बारे में नहीं पूछेंगे कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये कब पैदा हुए. नो बडी विल आस्क यू. वॉट दे आर गोइंग टू आस्क यू इज इन्होंने कौन से टाइम पीरियड में थ्रोन को असेंड किया था. दैट इज़ वॉट दे गोइंग टू आस्क यू.
लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, आपको महाराजा हरि सिंह का डेट ऑफ बर्थ याद रखना ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर अभी बात चल रही थी कि जो इनकी जो बर्थ डेट है उसके ऊपर छुट्टी रखने की बात की जा रही थी, इसीलिए इनका डेट ऑफ बर्थ बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, जबकि आपको बाकी राजाओं का डेट ऑफ बर्थ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, सो इनका बॉर्न ईयर क्या है, इट इज़ 1895 एंड द डेट ऑफ बर्थ इज 23rd of September 1895। इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। अब महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर ही वॉज वेरी एक्टिव, उनके जो भी पॉलिटिकल, जो भी स्टेट फोर्सेस, उस टाइम के जो स्टेट काउंसिल्स थे उसमें उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है, और देयरफॉर 1915 में इनको कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सेस भी बनाया गया था। किसने बनाया था उस टाइम पे, कौन थे महाराजा, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। तो किन्होंने बनाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने इनको कमांडर इन चीफ बनाया था स्टेट फोर्सेस का। कब बनाया था, 1915 में बनाया था, एंड 1922 में इनको सीनियर मेंबर बनाया गया था, किसका, ऑफ देन स्टेट काउंसिल। अब 1922 में इनको सीनियर मेंबर बनाया गया। अब क्या था, 1921 से लेके 22 तक देर वॉज अ एक्यूट शॉर्टेज इन फूड ग्रेन्स, इतना एक्यूट शॉर्टेज आ गया था कि लोगों की जो डेली खाना पीना होता है ना वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब इन्होंने एज अ स्टेट काउंसिल में एज अ सीनियर मेंबर एंटर किया, इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा लाए। फॉर दैट मैटर इन्होंने एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन ऑफ 1926 भी लाया, जिसके अंडर इन्होंने जो भी इंडेटेड, जो भी डेट में थे फार्मर्स, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया। सो देयरफॉर इन्होंने, ही हैज़ डन, इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था 1921 और 22 के एक्यूट जो फूड शॉर्टेज आ गया था उसको कर्व करने के लिए इन्होंने अपना इस एक्ट में, और इधर भी इन्होंने बहुत योगदान दिया था। नाउ 1922 में सीनियर मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब इनका राज तिलक, वॉट इज राज तिलक, मीन्स कोरोनेशन, ठीक है। तो जब इनका राज तिलक हुआ, कब हुआ, 1925 में हुआ, इन्होंने प्रोक्लेम किया, इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इन्होंने प्रोक्लेम किया जस्टिस एज हिज रिलीजन। व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, ही प्रोक्लेम दैट जस्टिस इज माय रिलीजन, एंड प्रोक्लेम करने का मतलब ये था कि नाउ आई एम गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स दिस, कि अब जस्टिस मेरे लिए रिलीजन से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है। सो जस्टिस एज अ रिलीजन, कभी भी आए, इट इज़ रिलेटेड टू हु, जम्मू एंड कश्मीर में रिलेटेड टू महाराजा हरि सिंह। फाइन, जैसे ही इन्होंने राज तिलक में प्रोक्लेम किया जस्टिस एज हिज रिलीजन, इन्होंने उसी टाइम पे अनाउंस किया कि मैं यहाँ पर 144 न्यू स्कूल्स जो है इस्टेब्लिश करूँगा, एंड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर ये 144 न्यू स्कूल्स का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। कब से लेके कब तक, फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, 26 से लेके 27 तक यहाँ पे 144 न्यू स्कूल्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब चिल्ड्रन दे वो बीइंग फोर्स्ड कि उनको क्या करना है, मॉडर्न एजुकेशन को रिसीव करना ही करना है। कहने का मतलब ये है, एजुकेशन वॉज मेड कंपल्सरी, एंड देन वॉट, मॉडर्न एजुकेशन, रिसीविंग मॉडर्न एजुकेशन वॉज मेड कंपल्सरी। और मॉडर्न, इसी को जो फोर्स टू रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, इन स्कूल्स को कहा जाता था जबरी स्कूल्स। जबरी मीन्स फोर्स्ड, ठीक है। सो जबरी मीन्स फोर्स, एंड पीपल एंड चिल्ड्रन वर बीइंग फोर्स्ड कि आपको पढ़ना है एंड देन यू नीड टू रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, तो इसलिए इसको जबरी स्कूल्स भी कहते हैं। फाइन, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927। अब महाराजा हरि सिंह ने आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, इन्होंने 1922 में एक कमिटी बिठाई, और कमिटी ने हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट, हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट उसको बोला। हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन इस तरीके की थी
कि वो लोग जो यहाँ हु आर बॉर्न हेयर एंड हु आर रिसाइडिंग और वो इसी स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं, वो हैं हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन के अंदर आते हैं। मतलब हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट उसका डेफिनेशन था कि जो लोग यहाँ पे जिनका बर्थ हुआ है एंड दोज हु आर स्टेइंग हेयर, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको हम डालेंगे हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन के अंदर। कब? 1922 में। और एक कमिटी बैठी थी जिसने ये डेफिनेशन दिया था। सो 1922 में डेफिनेशन आया, बट देन 1927 में जो महाराजा था महाराजा हरि सिंह ने इसको एज एक्सेप्ट कर दिया कि यस, स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, 1927 में वी एक्सेप्ट, एंड देन ऑफ कोर्स स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन इट केम अप। फाइन, अब ये हो गया 1927, 1922 में आया था, 1927 में इसका जो डेफिनेशन था उसको एक्सेप्टेंस दी गई। राइट, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, 1934 में प्रजा सभा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रजा सभा का मतलब इट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेचर, वेरी इम्पॉर्टेंट, इट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ हु, ऑफ J&K। लेकिन J&K था क्या? J&K वॉज अ प्रिंसली स्टेट, उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, सो J&K वॉज अ प्रिंसली स्टेट, एंड 1934 में प्रजा सभा जो थी वो बनी थी, एंड इट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर, प्रजासभा हैड, अब तीन इसमें याद रखें, 30, 33 एंड 12। नाउ इसके मेंबर्स 33 वर इलेक्टेड, 30 वर नॉमिनेटेड एंड 12 वर एक्स ऑफिशियो। सो वॉट इज एक्स ऑफिशियो? मीन्स बाई वर्च्यू ऑफ इट। तो देवर 12 वर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 33 वर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 30 वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। और ये कौन थे? ये प्रजासभा को कंप्राइज करते थे, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 75 मेंबर्स। इन टोटल 75 मेंबर्स थे। कब बना था प्रजासभा? 1934 में। किसके कार्यकाल में बना था? महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। फाइन, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अब नाउ आई टोल्ड यू 1926 में आपका एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन भी आ चुका है। नाउ लैंड एलिनेशन रेगुलेशन ऑफ 1933। अब ये क्या था 1930s में? क्या हो गया? पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब जॉइंट फैमिली का ट्रेंड स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ट्रेंड स्टार्टेड टू डिक्लाइन का मतलब ये हो गया कि अब लैंड था, पहले सब उसमें होते थे, बट नाउ जब अब सब बंटवारा हो रहा था तो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, मतलब बड़ी लैंड टूटती जा रही थी। अब पहले दो भाई इकट्ठे थे, अब चार हो गए, तो अब चार में वो लैंड बट रही थी, और फिर वो चार के भी आगे दो भाई हो गए, तो वो एक हिस्सा लैंड का आगे दो हिस्सों में बट गया। राइट, अब जिसकी वजह से एक तो लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही थी, तो इन्होंने बोला लैंड, और अब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो अब क्या होता था, ये लोग अपनी लैंड बेच देते थे, जिसकी वजह से जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स थे ना, उनके पास ये लैंड जा रहा था। और फिर 1933 में लैंड एलिनेशन रेगुलेशन एक्ट आया, जिसके अंडर उन्होंने कहा कि आप जो अपना लैंड है नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को नहीं बेच सकते, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि अगर आप बेचते भी हैं तो सिर्फ 21 साल 21 ईयर्स के लीज पीरियड पर ही उसको दे सकते हैं। सो पॉइंट नंबर टू, सो इसमें आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो आप बेच नहीं सकते, एंड देन अगर आपने बेचा है तो सिर्फ 21 साल का लीज पीरियड तक ही आप उसको बेच सकते हैं, एंड देन यू हैव टू गेट इट बैक। तो दीज वर द टू थिंग्स इन्वॉल्व इन द लैंड एलिनेशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1933। और इसी के साथ आपको ये जो आपका स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन है ना, कनेक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है इसमें, कि पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ और फिर उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइन,
नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन ऑफ 1935, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन्होंने क्या किया, पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था कि उन्होंने बोला कि रूरल एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, अपलिफ्टमेंट पर्पसेस के लिए वी नीड टू हैव पंचायत, बट देन इनको पावर बहुत लिमिटेड दी गई थी और जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पस कंस्ट्रक्शन करते थे या कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते थे, इट वॉज इन कोलैबोरेशन और इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से नहीं. जैसे आज के टाइम पे तो पंचायत हैज़ वाइडर अप्रोच, वाइडर पावर्स, बट अनलाइक उस टाइम पे ऐसा नहीं था. फाइन, सो कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन ऑफ 1935 इज ऑल्सो डन. अब इम्पॉर्टेंट, धन देवी मेमोरियल फंड. क्या है धन देवी मेमोरियल फंड? अब क्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज वेरी प्रिवलेंट. फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब ये हो गया कि गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी प्रिवलेंट, वो आगे हम करेंगे चाइल्ड मैरिज का भी, बट अभी आप याद रखें कि फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज वेरी प्रिवलेंट उस टाइम पे, राइट? अब चाइल्ड वीमेन, फीमेल जो बच्चा था उसको नहीं मारे, इसीलिए उन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि जैसे कि फादर है, फादर के आगे डॉटर हो गई, तो उसको स्टेट लैंड में से एन एकर ऑफ लैंड वॉज गिवन, कि आप एक एकड़ ऑफ लैंड अपने पास रखो, बट देन डोंट किल द चाइल्ड, आप बच्चे को मत मारो, और उसको एक ऑफेंस भी बना दिया. नंबर टू चीज़ वॉज धन देवी मेमोरियल फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धन देवी मेमोरियल फंड का मतलब ये था कि एक तो विमेन फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकेंगे, और दूसरा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बचा लिया, बट देन लड़की क्यों बोझ होती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो सोचते थे कि इसने तो दूसरे घर चले जाना है, राइट? और हमारा कल को हम जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा? तो इन्होंने बोला कि आप मैरिज की भी टेंशन मत लो. धन देवी मेमोरियल फंड जो था वो मैरिज के टाइम पर भी जो है फीमेल जो चाइल्ड था उसको सपोर्ट करता था. अब इसमें तीन चीज़ें थी, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. क्लास ए वॉज ऑर्फन गर्ल्स. हु दे वर? दे वर ऑर्फन गर्ल्स. व्हाट आर, हु आर ऑर्फन गर्ल्स? ऑर्फन का मतलब जिसका मम्मा एंड पापा, फादर एंड मदर दोनों ही नहीं थे, दे वर ऑर्फन गर्ल्स, राइट? नंबर टू वॉज जिनके फादर नहीं है बट देन मदर इज स्टिल अलाइव. तो क्लास बी में आते थे जिनके फादर नहीं है और जिनकी मदर इज स्टिल अलाइव. क्लास सी में आते थे जिनके फादर एंड मदर दोनों अलाइव हैं, बट देन वो क्या है, बीपीएल है, मतलब बिलो पावर्टी लाइन, दे आर वेरी पुअर. तो दीज वर द थ्री क्लासेस, और इनको पैसा देता था कौन? धन देवी मेमोरियल फंड. कितना देता था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट स्टिल आप याद रखें, इट इज 200 फॉर ऑर्फन गर्ल्स, 150 फॉर योर सेकेंड क्लास, एंड क्लास सी के लिए इट वॉज ₹100. अब आप ये मत सोचना 200 रुपये से क्या होगा, आप उस टाइम के हिसाब से सोचें तो इट वॉज एन ओके अमाउंट जो उनको हेल्प करता था. फाइन, सो आई टोल्ड यू अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड. नंबर टू आई टोल्ड यू वॉज चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज इतनी प्रिविलेंट थी, फॉर दैट मैटर चाइल्ड मैरिज भी नहीं, पॉलीगेमी, पॉलीजेंड्री, दे वो वेरी प्रिविलेंट है, बहुत प्रिविलेंट था और बहुत लार्ज स्केल में प्रैक्टिस भी होता था. फाइन, तो इन्होंने इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन ऑफ 1928 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने फिक्स कर दिया था मैरिजेबल एज. मैरिजेबल एज क्या रखी, गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 साल, इम्पॉर्टेंट. और फिर लेटर ऑन गर्ल्स के लिए 16 साल कर दिया और बॉयज़ के लिए 21 साल कर दिया गया. फाइन, सो 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़. और आज के टाइम पर भी जो मैरिजेबल एज है लड़कों की, इट इज़ 21 साल फॉर बॉयज़ और लड़कियों की तो 18 साल है. फाइन, एंड ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शारदा एक्ट ऑफ 1928 जो इंडिया लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे भी पहले हमारे J&K में ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था. सो इट इटसेल्फ बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. अब बहुत बुक्स में
महाराजा हरि सिंह को फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर कहा गया है. फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेनेसांस? अब आई वोंट गो इनटू मच डिटेलिंग, बट देन आपको एक रेनेसांस का मतलब समझना है तो आप इतना याद रखें कि 16th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसांस आया था. रेनेसांस आने का मतलब ये था कि जो सुपरस्टिशियस सोच है उसको साइड पे रखें, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिज्म, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, नए नए रूट्स फाइंड आउट करना शुरू कर दिए. सो दिस इज कॉल्ड एज रेनेसांस. तो 16th सेंचुरी में इट केम इन यूरोप, एंड मच लेटर इन द 19th सेंचुरी इट केम इन इंडिया. तो उसी रेनेसांस जम्मू एंड कश्मीर में, फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा गया है? कहा गया है महाराजा हरि सिंह को. इट विल नॉट बी रॉन्ग अगर हम इनको फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहें. ओके, सो नाउ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, आप मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको कहा गया है. सो योर क्वेश्चन इज, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको कहा गया है? फाइन, ओके, लेट्स मूव फर्दर. इसके अलावा इन्होंने विडो री मैरिज को प्रमोट किया. अब क्या था ना, उस टाइम पे विडो, अगर कोई लड़की विडो हो गई तो उसको एज अ सिन मान लेते थे कि ओहो इसी के ही कुछ कर्म थे जो ऐसा हो गया, या पुरानी सोच, राइट? तो विडो को री मैरिज करना बहुत एक तरीके का ऑफेंस माना जाता था. तो इन्होंने प्रमोट किया विडो री मैरिज एंड प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932. वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं जगह पे ये 1934 भी दिया गया है. सो नॉट टू वरी, जहाँ से मैंने पढ़ा है इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, इट इज़ 1932. बट देन एज आई सेड बिफोर कि आप कोई भी डेट देखें, कोई भी डेट पढ़े, यू हैव टू वेरीफाई इट योर सेल्फ ऑल्सो. और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स जो है उसका भी आपको लिंक डाल दूंगी, सो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं. ओके, सो बहुत बच्चों ने पूछा कि हम कौन सी बुक लें फॉर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री. आप कोई भी अपने जो भी आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, JKSSB के अंडर जो भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप उसी के ही जो भी एक अच्छी बुक आती है आप उसको ले लीजिए. मैंने आपको बहुत पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ. आप मेरे पॉइंट्स एंड उन पॉइंट्स को अगर आप दोनों क्लब करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा. आई के नॉट सजेस्ट वन बुक, बट देन माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप कोई लोकल पब्लिकेशन से ना लेना, बिकॉज लोकल पब्लिकेशन में बहुत डेट्स का ऊपर नीचे है. और आप जिस भी बुक से पढ़ें आप उसको खुद भी क्रॉस चेक करें उसकी डेट्स. सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन. फाइन, लेट्स मूव फर्दर. सो दिस इज़ विडो री मैरिज एंड प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932. बहुत जगहों पर 1934 भी दिया गया है. नेक्स्ट, अब क्या था? सप्रेस्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड वुमेन ट्रैफिक. वॉट इज वुमेन ट्रैफिक? वुमेन की बेच देना, राइट? सो दैट इज वुमेन ट्रैफिक. अब इन 1924 लोगों ने महाराजा हरि सिंह के पास जाना शुरू कर दिया. 24 में इनके पास गए एंड देन उन्होंने बोला कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम विच आर कमिंग अप रिलेटेड टू वुमेन ट्रैफिक. वुमेन का किडनैप होना शुरू हो गया था, वुमेन का ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ चुका था. सो 1924 में ये लोग गए हरि सिंह के पास, एंड देन जब इन्होंने अपने आप को महाराजा प्रोक्लेम कर दिया एक ही साल के बाद, तो इन्होंने सप्रेस पूरा कोशिश किया कि ये प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग को सप्रेस करे और इसको पनिशेबल भी बना दिया. ठीक है, सो कोई अगर जाता था पकड़े, इट यूज टू बी पनिशेबल. फाइन, नेक्स्ट, रूम रसूम. वेरी इंपॉर्टेंट, रूम रसूम. अब इट वॉज ऑल्सो अ इवन प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ पे होती थी. अब रूम रसूम क्या था? रूम रसूम मीन्स कि जब एक लड़की की शादी होने लगती थी, सो द ब्राइड ग्रूम फैमिली हैड टू पे अ प्राइस फॉर द ब्राइड. तो इस इवन प्रैक्टिस को बोला जाता था रूम रसूम. अब इसके खिलाफ बिल कहाँ? प्रजा सभा में इंट्रोड्यूस होता है 1937 में. ठीक है, सो रूम रसूम के खिलाफ 1937 में बिल इंट्रोड्यूस होता है, और फाइनली 1939 में ये एक्ट बन जाता है जिस एक्ट के अंडर रूम रसूम बिकम्स एन पनिशेबल ऑफेंस. फाइन, नेक्स्ट, अब
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, 1932 में ऑल जेंट के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। सो ऑल जेंट के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसके कार्यकाल में बनती है? महाराजा हरि सिंह के ही कार्यकाल में बनती है। अब 1932 में जब ये बनती है तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर वॉज चौधरी गुलाम अब्बास, इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो किसने की थी? वो की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। नाउ 32 में तो ये फाउंड हो गया, बट देन इन 1938 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला केम अप विद एन आइडिया कि वाई रिस्ट्रिक्ट इट, इसको सिर्फ मुस्लिम तक क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है, वाई डोंट वी टेक इट टू अ हायर लेवल और इसमें हम हिंदूज, सिख्स और सबको इंट्रोड्यूस करें, राइट? तो फिर 1938 में इस आइडिया के साथ शेख अब्दुल्ला केम अप, एंड देन 1939 में इसका नाम बदल के क्या बना दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो 1939 में, तो ये इसके रूट्स क्या है? रूट्स इसके ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है, बट देन इसका नाम 1939 में बदल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था, फाइन। अब 1938 में एक और पॉइंट आई टेल यू टू रिमेंबर, दैट इज 1938 में क्या बनता है? 1938 में बनता है आपका जे एंड के बैंक। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जे एंड के बैंक इन 1938, और जिसका जो फर्स्ट हेड ऑफिस था वॉज एट श्रीनगर, एंड देन ऑफकोर्स जम्मू भी बना, बट देन फर्स्ट हेड ऑफिस वॉज एट श्रीनगर, फाइन। सो ये था हमारा महाराजा हरि सिंह के बारे में, ओके। सो हाँ, सो 1938 में ये हो गया, देयर इज फ्यू मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। अब क्या होता है, ये सब चल रहा है, अब 26 अक्टूबर 1947 क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन, और फिर जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? सो वन पॉइंट इज दैट, व्हाट इज इट? 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसके बाद महाराजा हरि सिंह गोज इनटू वॉलंटरली एग्जाइल, एंड देन इन 1961 इनकी डेथ हो जाती है, एंड देन डेथ होती कहाँ पे? डेथ होती है बॉम्बे में। और महाराजा हरि सिंह के बेटे का नाम क्या?